A very warm welcome to all the students of eighth class. A very good morning to all. I hope you all are doing well at your home. Today we are going to start the composition portion of grammar. In today's lecture we will discuss two topics. The first one is a paragraph and the second one is a letter to your uncle. So let's start today's topic with the paragraph named as a journey by train. जर्नी का मतलब होता है यात्रा और ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी लास्ट मंथ आई ट्रैवल्ड फ्रॉम पठानकोट टू मुंबई बाय ट्रेन पिछले महीने मैं पठानकोट से मुंबई गया कैसे ट्रेन से आई रीच द स्टेशन रेलवे स्टेशन बिफोर द डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन मीन्स मैं रेलवे स्टेशन ट्रेन छूटने से पहले पहुंच गया आप. आई बॉट अ टिकेट एंड केम टू द प्लेटफॉर्म मैंने टिकट ली और मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया द ट्रेन arrived. ट्रेन आ गई द प्लेटफॉर्म गॉट क्राउडेड विद पीपल प्लेटफॉर्म जो था वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट अ सीट थोड़ी मुश्किल हुई सीट लेने में बट आई गॉट लकी एंड गॉट अ वेरी कम्फर्टेबल सीट नियर द window. पर मैं लकी था कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट विंडो के पास में गई द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ट्रेन चलने लग पड़ी आई लुकड आउट ऑफ द विंडो मैं विंडो से बाहर देखना शुरू किया द ट्रीज द पीपल एंड द इलेक्ट्रिक पोल्स वर मूविंग बैकवर्ड जो लोग थे जो पेड़ पौधे थे और जो इलेक्ट्रिक पोल जो खंबे थे वो पीछे जाते हुए दिख रहे थे द ट्रेन stopped at सम स्टेशन ट्रेन कुछ स्टेशंस पर रुकी एट डेली द ट्रेन stopped फॉर हाफ एन आवर डेली स्टेशन पर ट्रेन जो है वो आधे घंटे के लिए रुकी आई केम डाउन मैं ट्रेन से नीचे उतरा एंड टुक टी एंड अ मैगज़ीन टू रीड और मैंने चाय ली और एक मैगज़ीन ली पढ़ने के लिए आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद द ट्रेन started अगेन ट्रेन फिर चलने न पड़ी I reached Mumbai at sunset and heaved a sigh of relief. मैं बॉम्बे भी मतलब मुंबई सनसेट शाम होते होते पहुंचा और मुझे चैन की सांस मिली ठीक है बेटा ये है आपका पैराग्राफ नीट एंड क्लीन इसको अपने अलग जो कॉपी लगानी है इंग्लिश ग्रामर की उसमें आपने नीट एंड क्लीन इसको नोट डाउन करना है जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आए आप मुझसे पूछ भी सकते हैं ओके okay, बेटा अब हम दूसरा करेंगे लेटर टू योर अंकल सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेटर की डेफिनेशन है राइट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू योर अंकल फॉर अ बर्थडे गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट के लिए आपने अपने अंकल को थैंक यू का लेटर भेजना है इसमें आपने ध्यान रखना है सबसे ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है वो होगा आपका फिर आएगी डेट फिर आएगा मैटर सारा का सारा फिर आएगा आपका एंड में रिगार्ड्स और लविंग और यहाँ पे नेम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे नेम नहीं लिखेंगे ईशान राघव सोनाली सिंपल आप नाम लिखेंगे और नीचे ये जो एड्रेस है ये आपका अंकल का एड्रेस होता है जहा पे आपने ये लेटर भेजनी है ओके सो लेट स्टार्ट हाउस नंबर सिक्सटी फोर फेस फाइव पुलिस लाइन्स कॉलोनी जलंधर डेट आज किया की आएगी सिक्सटीन जीरो फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन माई डियर अंकल इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू रिमेंबर मी ऑन माई बर्थडे मीन्स ये बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे मेरे बर्थडे पर याद किया यू हैव सेंट मी अ ब्यूटिफुल रिस्ट वॉच एज अ गिफ्ट आपने मुझे बहुत ही खूबसूरत एक रिस्ट वॉच रिस्ट वॉच कौन सी होती है जो हम अपनी कलाई पर बांधते हैं वो आपने मुझे भेजी है इट शोज योर लव फॉर मी ये मुझे आपका प्यार दिखाता है आई रिसीव्ड मैनी गिफ्ट दैट डे बट आई लाइक योर गिफ्ट द मोस्ट मुझे उस दिन बहुत सारे गिफ्ट मिले पर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आपका गिफ्ट आया एवरीबॉडी प्रेस्ड इट अलॉट सब लोगों ने आपके दिए हुए गिफ्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज किया द वॉच विल हेल्प मी अलॉट जो घड़ी है वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इट विल मेक माई लाइफ रेगुलर ये मेरी लाइफ को एक रेगुलरिटी के पाथ पे चलाएगी मीन्स मैं कभी भी कहीं पर जाने के लिए लेट नहीं होंगे आई शेल नेवर बी लेट फॉर द स्कूल नाउ मैं स्कूल जाने के लिए भी कभी भी लेट नहीं होंगा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस गिफ्ट आपके इस तोहफ़े के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आई अश्योर यू दैट आई शैल कीप दिस वॉच विद ग्रेट केयर मतलब कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी दी हुई घड़ी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखूँगा विद रिगार्ड्स योर लविंगली आपका नीचे नाम आ जाएगा एड्रेस है बी स्लैश टू शांति हाउसिंग सोसाइटी वी एल रोड जूहू मुंबई और आगे मुंबई का कोड ठीक है बेटा राइट दिस थिंग जो स्टार्टिंग में ऊपर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लेटर का वो आपने ब्लैक पेन से लिखना है देन ऑल यू हैव टू राइट इन द ब्लू पेन जैसे जैसे मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है मींस जैसे ये तीन लाइंस इकट्ठी हैं एक के नीचे एक के नीचे एक लेटर है डेट भी इनके नीचे ही है माय डियर अंकल भी इनके नीचे ही है ये बेटा आपने एज इट इज लिखना है जैसे लिखा हुआ है ठीक है राइट इट वेरी नीटली इन योर कॉपीज और एक बार दोबारा से लिख के चेक भी कर ले और अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम थैंक यू बेटा हैव अ वेरी नाइस डे टेक केयर